शिट मैन, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं कर लूं? आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जाओ और सब्सक्राइब करो और एक थम्स अप देना मत भूलना। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे या प्रीवियस मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज एक थम्स अप देना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली आ जाए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, नोटिफिकेशन ही बोलते हैं उसको। ओके, ये सारी बातों को साइड करके मैं एक और वीडियो मीशो हॉल बनाने वाली हूँ। मीशो हॉल तो नहीं कह सकते, मैंने एक क्रिम्पर बाय किया हुआ। ऑलरेडी क्रिम्पर के ऊपर मीशो के बहुत सारे वीडियोस बने हुए यूट्यूब पे, पर स्टिल मैंने यूज़ नहीं किया है मीशो का कोई भी क्रिम्पर। एक्चुअली एक कर्लर ऑर्डर किया था, वो भी काफ़ी मिनी आया था, और मिनी बोल के इतना बड़ा हाथ दिखाई जितना पता नहीं इतना बड़ा सा होगा। ओके, मिनी कर्लर ऑर्डर किया था, वो ठीक है, अंडर बजट काफ़ी यूजफुल रहा है मेरे लिए, बट क्रिम्पर और स्ट्रेटनर मैंने नहीं मंगवाया है। और ट्रैवल फ्रेंडली है तो ठीक है, उसके लिए तो मैं अच्छा मतलब बोलूँगी कि अब काफ़ी अच्छा चीज़ रिसीव हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, अच्छा गैजेट रिसीव हुआ है। इतना सारा ज्ञान देने के बाद अब मैं क्रिम्पर पे आती हूँ, जो जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और अगर हम कोई फंक्शन वगैरह पे जाते हैं, हमको थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑलरेडी बैग में हम इतना सारा चीज़ स्टफ ठूस ठूस के ले जाते हैं कि इतने बड़े बड़े जो मार्केट में हमारे पास जो स्ट्रेटनर आते हैं, क्योंकि अगर हम कोई अच्छे ब्रांड का लेते हैं, ऑलरेडी मेरे पास एक नोवा का है जो कि क्रिम्पर स्ट्रेटनर और प्लस क्या बोलते कर्लर है, 3-in-1 है। तो उसको अगर मैं लेके जाती हूँ तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सारा स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। बट अगर मार्केट में बहुत सारी मिनी स्ट्रेटनर्स वगैरह आ चुके हैं तो वो पैकेजिंग बोलूँ तो ना काफ़ी अच्छा, इतना बड़ा सा पैकेज रिसीव हुआ था, मुझे लगा यार 156 में इतना बड़ा क्रिम्पर आया होगा सीरियसली। फिर मैंने लगा यार पैकेट ओपन तो करता है, तो मैंने पैकेट खोल लिया है, तो मैं आपको बकायदा वो जो रिसीव होता है ना आपके एड्रेस के सहित वो वाला पैकेजिंग मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे अंदर एक चिल होती है। कोई भी चीज़ अगर आता है ना तो मैं उसको पहले देखती हूँ कि कैसा आया कैसा आया कैसा आया, मेरे अंदर का बच्चा मर ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चे लोग ऐसा आते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट रिसीव होता है सबसे पहले खोल के देखते हैं, अरे वाह क्या आया है, तब वो वाली चीज़ है मेरे अंदर। तो मैं ओपन करके देख लिया है मैंने पहले से ही, बट मैंने उसको स्टिल अभी तक मैंने उसको मतलब यूज़ करके नहीं देखा है, जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी इस वीडियो में ही करने वाली हूँ। और प्रोडक्ट की प्राइसिंग मुझे मिली है 156 में, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था, 156 में ही मिला है। और 156 में और क्या डिस्काउंट चाहिए, मैंने भी यही सोचा अपने आप में। और फिर मैंने ये ऑर्डर किया कि ये सही रहेगा कि मैंने मंगवा तो लिया है, ऐसा ना हो कि कोई सस्ता सा प्रोडक्ट है तो मैंने लगाया और मेरे बाल जल जाए, ऐसा ना हो। पर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, ऑर्डर कर देते हैं, देखते हैं, पहले वाला कलर तो ऐसा कुछ नहीं था तो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, इसमें ये जैसे अपना पेंसिल बॉक्स नहीं होता है, बचपन में अपन को पेंसिल ऐसा ना था टिप टॉप वाला ऐसे वाला, तो ये डब्बा तो मुझे सही लगा, पहले वाले कलर का पैकेजिंग कुछ ऐसा नहीं था, बाकी इसका आया है एंड बहुत सही है। और ये एक ऐसे तार तार में रोल रोल होके था, बाकी मैंने इसको खोल के देखा है, हीट करके तो नहीं देखा, तो ये तार तो मैंने खोल लिया है, आप देख ही सकते हैं। बाकी ये बॉक्स काफ़ी क्यूट है, अगर मैं इसको इसमें ना रख के इसमें मैं काफ़ी सारे जैसे अगर मैं चाहूँ तो कभी अगर इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें मैं अपने कुछ ब्रश वगैरह मेकअप ब्रश वगैरह रख सकती हूँ और इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी यूनिक है। इस टाइप की पैकेजिंग मैंने नहीं देखी थी सच में, तो अगर 156 में आपको ये डब्बा भी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक, और ये कुछ ऐसा है, ये मुझे लगा था कि यहाँ पे ये ऐसे बंद हो जाएगा, बंद होने का भी कुछ होगा, यहाँ पे कुछ बटन होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरे पास जो स्ट्रेटनर प्लस 3-in-1 है उसको ऐसे यहाँ पर से प्रेस करोगे तो वो बंद हो जाता है, बट ये ऐसा का खुला ही रहेगा। और क्रिम्पर है तो कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन अंदर दिया गया है, आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं, वायर काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी वायर दे दी है, और ये मेरे हाथ में इतू सा आ रहा है तो काफ़ी मिनी स्ट्रेटनर क्रिम्पर है, ठीक है। लेट्स सी प्रोडक्ट कैसा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ये ओके, कोई लाइट वाइट नहीं दी क्या, दिया दिया है यहाँ पे, एक छोटा सा लाइट भी दिया हुआ है, तो मैं आपको इसको एक बार बताती हूँ। सी लाइट दिख रही है जलते हुए, आई होप दिख रही होगी लाइट, देखते कितने देर में हीट होता है,
इतना ज्यादा हिट तो लग नहीं रहा, आप बोलोगे कि हाथ देके चेक कर रही है, शक्तिमान तो नहीं। और हीट होना तो स्टार्ट हो गया है, बालों का सेक्शन कर लेता है। मुझको सच में डर लग रहा है, दिख रहा है क्या? एक तो पता नहीं ये लाइट मेरे को कितना दिक्कत दे रहा है। ओ भाई मैं तो उसको जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा ही टाइम लगा रही हूँ मैं इसको होल्ड करके, बट हो सकता है मेरे बाल कुछ नेचुरली कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट है। ओए ओए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 ये वीडियो बनाऊं कि लाइट की सेटिंग करूं, अरे वो समझ में ही नहीं आ रहा। सी मैंने एक सेक्शन ले लिया है, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक ही होल्ड करके देख लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी इसमें मतलब क्रिम्प हो जाएगा। पर ओ माय गॉड कुछ तो हो रहा है, मंजली का जैसे बाल इधर उधर हो रहे हैं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो ज्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। कुछ तो हो रहा है, मेरे बाल क्रिम बहुत लेट में हो रहे हैं, या तो हो सकता है कि मेरा बाल नेचुरली कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट है इसलिए नहीं हो रहा है, या तो इसको मैंने सच में जितने टाइम होल्ड करना चाहिए उससे ज्यादा ही होल्ड किया, बट फिर भी देखा जाए तो मेरे बाल उतने ज्यादा क्रिम हो नहीं रहे हैं, ऊपर से उससे ज्यादा बुरे लग रहे हैं और गर्म पसीने में मेरी हालत खराब हो रही है गर्मी में। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये कोई बाय करो, ठीक है? जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा ही मैंने इसको होल्ड करके चेक किया कि हाँ शायद अब हो जाए, तब हो जाए, अब हो जाए, तब हो जाए, बट लिटरली बोलूं कि ये हिट कर रहा है, इसमें लाइट जल रही है, पैकेजिंग काफी अच्छी है, बट पैकेजिंग के चलते हम अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे सारी चीजों पे। अगर आपको मीशो स्क्रॉल करते टाइम ये सारे ये प्रोडक्ट दिख जाए तो प्लीज बाय मत करिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा काफी। और जिनके बाल नेचुरली स्ट्रेट है वो क्रिम करने के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल मत करिएगा, थोड़े और पैसे सेव करके, या जब आपके पास हो जाए कि आप इतने पैसे कोई अच्छे अच्छे ब्रांड का या फिर किसी भी अच्छे ब्रांड का अगर आप क्रीम पर अफोर्ड कर सको तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। जब मैं अफोर्ड कर पाऊंगी तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो शूट कर दूंगी, बट लिटरली बताऊं अभी तो ये इसके लिए मेरे साइड से एक बिग नो है, बिग नो है, मैं नहीं करूंगी क्योंकि नहीं ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने बाल देखो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े से, इतने में कुछ नहीं होता भाई साहब, सामने से भी नहीं दिख रहा ना, कैमरे में नहीं दिख रहा, और कितने टाइम तक मैं इसको पकड़ के एक ही लेयर को ऐसे पकड़ के करते रहूंगी। आपको बस लाइक होल्ड करना है, टिप 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 टिप, देन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे छोड़ देना है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे में हो जाना चाहिए, बट 156 में भी ये वर्थ इट नहीं है। आई नो आप बोलोगे कि 156 में सृष्टि देखो क्या चाहिए और क्या चाहिए, बट नहीं, अगर आप कॉलेज गोइंग हो या आप कोई छोटे बच्चों का कर रहे हो हेयर स्टाइल तो ठीक है थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगी कि जो बेबी नेचुरल हेयर है, जो वर्जिन हेयर है, उस पर तो आप अप्लाई मत ही करो। बट अगर बच्चों के लिए आप ये खेलने का बोल सकते हो तो ये खेलने के खिलौने हो सकते हैं, बट बड़ों के लिए नहीं, ना ही ये ट्रैवल फ्रेंडली हो सकता था अगर ये वर्क करता, बट क्या मतलब अगर आप इसको लेके जाने का अगर ये काम ही नहीं कर रहा है, सो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, सी यू, सी यू।